Redmi Note 7 Pro का ह्यूज सक्सेस के बाद Redmi इंट्रोड्यूस करने वाला है नेक्स्ट स्मार्टफोन को, यानी कि इसका सक्सेसर को, जो कि होने वाला है Redmi Note 8 यानी Redmi Note 8 Pro। यहाँ पर जो Redmi Note 8 होने वाला है थोड़ा सा कम स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा एज कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro, क्योंकि Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा प्रो लेवल का स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 730G देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 6.39 इंच फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, क्योंकि Redmi Note 8 Pro के अंदर आपको देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो बेसिकली सभी लोग जानते होंगे IPS LCD के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सेटअप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो इस स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7 Pro। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्टफोन का कुछ लीक्स एंड रूमर्स के बारे में, बताऊंगा Redmi Note 8 Pro कैसा होने वाला 2019 स्मार्टफोन मार्केट में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ स्मार्टफोन लॉन्च होगा एंड स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा। तो विदर वेस्टिंग इन अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करो Redmi Note 8 Pro के डिजाइन के बारे में। तो बेसिकली कुछ लीक्स एंड रूमर्स के मुताबिक इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, जिसमें आपको सेटअप देखने को मिलेगा 20 मेगापिक्सल के एक सेंसर। एंड बैक साइड की बात करो तो बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, उसके साथ ग्लॉसी ग्लास फिनिश में स्मार्टफोन अवेलेबल होगा, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा दोनों साइड में। तो यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा एंड डिजाइन के हिसाब से आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, यानी 2019 में एकदम बेटर स्मार्टफोन होने वाला है Redmi Note 8 Pro। अब बात करो स्मार्टफोन का कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करो इसका डिस्प्ले की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.39 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल, जिसका रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा 2340x1080 पिक्सल। एस्पेक्ट रेशियो की बात करो तो हमारा आपको 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा, यानी कि आपको प्रॉपरली H2S डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड कोई भी बेजल चेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड डिस्प्ले के अंदर आपको 16 मिलियन कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पर कलर रिप्रोडक्शन कलर सैचुरेशन आपको बहुत ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा एंड फुल व्यू डिस्प्ले होने की वजह से यहां पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस एंड वीडियो वाचिंग एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है। उसके साथ यहाँ पर रैम बैंड की बात करूँ तो इसमें आपको 6GB रैम देखने को मिलेगा, जिसके साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। एंड बेस बैंड की बात करूँ तो बेस बैंड आपको देखने को मिलेगा 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, एंड टॉप बैंड आपको देखने को मिलेगा 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज का। तो अब बात करूँ Redmi Note 8 Pro के प्रोसेसर के बारे में, जो कि स्मार्टफोन का मेन कंपोनेंट होता है, उसके ऊपर स्पीड एंड सभी कुछ डिपेंड करता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 730 प्रोसेसर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रूव प्रोसेसर है गेमिंग के मामले में। तो यहाँ पर स्पीड आपको जो देखने को मिलेगा बहुत ही ज्यादा रॉकिंग देखने को मिलेगा, कोई भी आपको हीटिंग इशू कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड पबजी एंड एस्पर लाइन जैसे हाई ग्राफिक्स गेम को बहुत ही स्मूथली रन करा पाओगे। उसके साथ यहाँ पर जो Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर है बहुत ही ज्यादा इंप्रूव प्रोसेसर है एज कम्पेयर टू Qualcomm Snapdragon 17 प्रोसेसर। इसके अंदर आपको AI फीचर भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलता है, उसके साथ आपको Qualcomm QuickCharge 4 Plus टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर के मामले में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। डेली एक्टिविटी में जो काम करते हो, यानी कि जो फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, सभी कुछ काम आप बहुत ही आराम से कर पाओगे। इसमें आपको कोई भी लैग इशू कोई भी आपको हीटिंग इशू वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस आप इस स्मार्टफोन में ले पाओगे। एंड उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो Redmi Note 8 Pro के अंदर आपको देखने को मिलेगा Android 9.0, यानी कि पाई आपको देखने को मिलेगा, बट बहुत ही जल्द जो है Android Q का अपडेट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। उसके साथ कस्टमर की बात करो तो हम आपको देखने को मिलेगा MIUI 10, जो कि आपको प्रोवाइड करेगा बहुत ही बेटर एंड बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस एंड बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज कस्टमर है, जिसके वजह से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होने वाले वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड कैमरा एप्लीकेशन की बात करो तो कैमरा एप्लीकेशन में आपको बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर भी देखने को मिलेगा एंड उसके साथ आपको EIS फीचर भी देखने को मिलेगा कैमरा एप्लीकेशन के ऊपर। उसके साथ कैमरा हार्डवेयर की बात करो तो बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर, उसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा एंड 13 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा। एंड कैमरा एप्लीकेशन में आपको AI ब्यूटिफिकेशन मोड, AI पोर्ट्रेट मोड एंड AI स्टिकर वगैरह सभी कुछ फीचर इनेबल देखने को मिलेगा। उसके साथ फ्रंट कैमरे की बात करो तो फ्रंट में आपको देखने को
मिलेगा 20 मेगापिक्सल की पॉपअप सेल्फी कैमरा, जिसके साथ आपको f1.9 का अपर्चर देखने को मिलेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा लो लाइट में बहुत ज्यादा बेटर इमेज को कैप्चर करने के लिए। एंड लास्ट में बात करूँ इसका बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 4000 mAh की एक ह्यूज बैटरी, जिसके साथ आपको क्वालकॉम क्विक चार्ज 4+ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फीचर होने वाला है, इसके साथ आपको क्वालकॉम का जो फास्ट चार्जर होने वाला है वो बॉक्स के साथ ही देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है यूजर के लिए। एंड प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट की बात करूँ तो इसका जो प्राइस होने वाला आपको देखने को मिलेगा अराउंड 18,000 के अंदर। एंड लॉन्चिंग डेट की बात करूँ तो अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं है स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा, बट चाइना में आपको स्मार्टफोन सबसे पहले देखने को मिलेगा, उसके एक मंथ बाद जो इंडिया में इसका ऑफिशियली लॉन्चिंग होगा। तो ये आज का वीडियो रेडमी नोट 8 प्रो के बारे में। तो वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। एंड हमने चैनल में पहली बार जगह सब्सक्राइब बटन नोटिफिकेशन बिल को दबा दो। एंड उससे पहले हमने इंस्टाग्राम या फेसबुक वालों नहीं किया तो जाकर फॉलो करो, लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।